बाबा कुछ तो अब बता नहीं रहे और घर जाने के बाद यहाँ पे बैठे। अरे कुछ नहीं बेटा, उधर ऐसे कुछ पूछो तो वो कुछ नहीं बताती, यहाँ आपसे कुछ पूछ रहे तो आप कुछ नहीं बता रहे। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। अरे कैसी बात है बाबा, बताओ ना। कब से सोच रहा हूँ अंग्रेजी फौज में काम करके मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई। ऐसा क्यों बाबा? इस वक्त सारा देश अंग्रेजों के खिलाफ है। अगर मैं उनको बताता कि मैंने उनके साथ काम किया है तो देश के लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि मैंने कोई गलती की उनके लिए लड़कर। बाबा आप पर परिवार को पालने पोषने की जिम्मेदारी थी और वो आपने पूरी तरह से हैं भाई है। फिर समाज ने आपको मजबूरन जो काम दिया वह तो आपको करना ही था ना। आपने अपने जीवन में किसी के साथ गलत तो नहीं किया ना? याद कीजिए ज्योतिबा फुले आपसे कहते थे, अगर मंशा से हो तो कुछ भी गलत नहीं है। चिंता मत कीजिए, आपने सिर्फ अपना धर्म निभाया। भीम बड़ा हो गया तू, कितनी आसानी से मुझे समझाया, अब जाके मेरा मन हल्का हुआ है। लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूं कभी मुझे मौका मिला तो जो लोग वंदे मातरम की लड़ाई लड़ रहे हैं तो उनके लिए कोई बड़ा काम करूंगा। इतना तो मुझे भी पता है ये देश अंग्रेजों का नहीं है। फिर देश किसका है बाबा? हम भारतीयों का है। अगर ये देश हमारा है तो हमें सबकी तरह पढ़ने क्यों नहीं देते? हम हर कुएं पे चढ़ के पानी क्यों नहीं निकाल सकते? हम सबके साथ बैठ के खाना क्यों नहीं खा सकते? हम भी सबके बराबर खड़े क्यों नहीं हो सकते? नहीं बेटा, वो लोग बस देश को अंग्रेजों से आजाद करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। बाबा जब मैं बड़ा हूंगा तब देश की आजादी के साथ साथ अपने लोगों की आजादी के लिए भी लड़ूंगा। फिलहाल भीमराव अम्बेडकर अपने भाइयों के साथ खेलने जा रहे हैं। बाबा जब मैं बड़ा हूंगा तब देश की आजादी के साथ साथ अपने लोगों की आजादी के लिए भी लड़ूंगा।